हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर प्रिटी वेल। टुडे आई विल गिव यू डिक्टेशन एट द स्पीड ऑफ 100 to 120 वर्ड पर मिनट्स। दिस विल हेल्प यू टू वेरियस एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट। रेडी। आजकल पाकिस्तान तनाव से गुजर रहा है और इसके लिए वहाँ पोषित आतंकवाद की जितनी निंदा की जाए कम होगी। एक आत्मघाती आतंकी ने विस्फोटकों से भरी कार से चीनी इंजीनियरों व श्रमिकों को ले जा रहे वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें 5 चीनी नागरिकों सहित एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में यह तीसरा ऐसा हमला है जब आतंकियों ने विकास कार्यों को निशाना बनाया है। अब तक 9 चीनी नागरिक आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सांगला जिले में हुई है, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है। चीनी इंजीनियर दासू बांध की ओर ही जा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। इस हमले के बाद चीन ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है, जिससे पाकिस्तान सरकार की चिंता बहुत बढ़ गई है। चिंता का पता इसी से चलता है कि मंत्रियों के अलावा खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीनी दूतावास जाकर अधिकारियों को आश्वस्त किया है। अमूमन राजदूतों को प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश मंत्रालय बुलाकर संदेश देने की परंपरा रही है, पर यह विरल मौका है जब प्रधानमंत्री को खुद दूतावास जाना पड़ा है। आतंकवाद दोधारी तलवार की तरह है। भारत ने बार बार चेताया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पोसने से बाज आए, पर इतने जख्म खाकर भी वह समझने को तैयार नहीं है। आतंकवाद पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी व्यवसाय बढ़ाने या खुद को कूटनीतिक रूप से मजबूत करने का एक माध्यम बन गया है। अगर चीन अपने नागरिकों की निर्मम मौतों से कुछ सीखे और पाकिस्तान को आतंकियों के विरुद्ध कदम उठाने को मजबूर करे, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान सरकार वाकई इस हमले के दोषियों को पकड़ पाती है, तो इसका असर वहां आतंकवाद के नेटवर्क पर जरूर पड़ेगा। अब समय आ गया है कि इस्लामाबाद आतंकवाद को लेकर गंभीर हो जाए, क्योंकि अगर फिर से चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है तो पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजिंग आज हर तरह से इस्लामाबाद का मददगार बना हुआ है, इसके बावजूद पाकिस्तानी धरती पर सक्रिय आतंकवादी यदि चीन के नागरिकों को ही निशाना बनाते हैं तो यह पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए वाकई चिंता की बात होनी चाहिए। पाकिस्तानी तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने हमले इधर बढ़ा दिए हैं। पिछले सप्ताह ही ग्वादर बंदरगाह के बाहर चीनी नागरिकों को ले जा रहे एक काफिले पर गोलीबारी के बाद
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 8 आतंकियों को मार डाला था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से आज़ादी चाहती है। पाकिस्तान आज़ादी की इस पुरानी मांग को खारिज करता रहा है, पर उसे आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से लड़ना चाहिए। भारत के साथ फिजूल दुश्मनी में पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ गवाया है, और अब जब वह आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका है, तब उसके लिए विकास पर पूरी तरह से ध्यान देने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वह विकास की ओर ध्यान नहीं देगा और उधार अनुदान में फंसता चला जाएगा, तो उसके प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ही दूतावासों में जाकर सफाई देने की दुखद नौबत आती रहेगी।